टुडे वी शैल स्टार्ट द चैप्टर वन ऑफ फ्लेमिंगो द लास्ट लेसन द नंबर क्वेश्चन नंबर वन इज़ हेयर वट वॉज फ्रेंड्स एक्सपैक्टेड टू बी प्रपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे जिहड़ा फ्रेंड्स सीगा वो की आस करदा सीगा कि उन्हें स्कूल दे विच कादे लिए प्रपेयर होकर जाना चाहिए फ्रेंड्स वॉज एक्सपैक्टेड टू बी प्रपेयर विद क्वेश्चन ऑन पार्ट फ्रेंड्स जिहड़ा सी एक्सपैक्ट करदा सी कि उन्हें क्वेश्चन ने जिहड़े पार्टीसिपल दे उत्ते बना के लैके जाने चाहिए ने ऑन दैट डे एज मिस्टर हैमल हैड टोल द क्लास जिहड़ा उस दिन सी मिस्टर हैमल ने उन्हें उन्होंने बारे पूछना सी ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन द टॉपिक दैट डे वो तो उन्हें क्वेश्चन करेगा वो उस दिन वो टॉपिक्स के उत्ते मतलब कि पार्टीसिपल के उत्ते. नैक्सट क्वेश्चन वट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजअल अबाउट द स्कूल दैट डे फ्रेंड जिहड़ा सी उन्हें की नोटिस किया भी अजीब जी गल हुई सी स्कूल विच उस दिन. यूजली वैन द स्कूल बिगैन आम तौर के उत्ते जो स्कूल शुरू हुंदा सी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोडेशन कहिंदे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हुंदा स्कूल दे विच बट दैट डे पर उस दिन एवरीथिंग वॉज क्वाइट हर एक पासे चुप सीगी इट अपीयर टू बी लाइक अ संडे ऐं लगता सी जिवें संडे होवे विदाउट एनी नॉइस क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही सी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही सी स्कूल दे विच हैवर द स्टूडेंट्स वर एट द प्लेसिस बच्चे जिहड़े सी आपदियां प्लेसिस दे उत्ते मतलब कि डैक्सिस दे उत्ते बैठे सी एंड मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टैरीबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म जो मिस्टर हैमल सीगा अप एंड डाउन मतलब कि इधर उधर घूम रहा सी विद हिज टैरीबल आयरन जिहड़ा उहदा भयानक आयरन रूलर सीगा उहदे नाल जिहड़ा उहदे उहने बांह थले लुकोया होया सी. थर्ड क्वेश्चन वी हैव वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड के उत्ते की लिखा हुआ सीगा आंसर द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जर्नल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फॉर द बर्लिन बुलेटिन बोर्ड के उत्ते एक चीज़ लिखी हुई सी जिहड़ी जर्नल आम तौर पर पब्लिक के लिए सी अबाउट ऑर्डर सीगा एक जिहड़ा कि बर्लिन तो आया सी इट स्टेटेड दैट उहदे विच उह लिखा हुआ सी ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स जिहड़े जर्नल ने उही बच्चों नूं पढ़ाउणगे हुण इन द स्कूल दे विच ऑफ लैस ते लॉरेन दे विच. नैक्सट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 फर्स्ट क्वेश्चन वट चेंजिज इट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल कहिंदे कि ऑर्डर दे नाल कि चेंजिज आ जाणियां सीगियां उस दिन. आंसर इज़ द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन ब्रॉट एट द रूटीन हसल एंड बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू द स्टैंड स्टिल कहिंदे जिहड़ा ऑर्डर सीगा बर्लिन दा उहदे नाल की आउणा सीगा जिहड़ी रूटीन दी लाइफ सी इधर उधर हो जाणी सी स्कूल लाइफ दी एट द स्टैंड जिहड़ी हुण तक बहुत वधिया चल रही सी मिस्टर हैमल द टीचर मिस्टर हैमल जिहड़ा कि टीचर सी बिकैम मोर सिंपथैटिक कहिंदे बहुत ज़्यादा की सी बच्चों के नाल सिंपथैटिक सीगा वो टू हिज स्टूडेंट्स के नाल टॉट हिज लैसन विद मोर पेशेंस से अपने जिहड़े लैसन सीगे बहुत पेशेंस के नाल सानू समझा रहा सी द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव जिहड़े स्टूडेंट सी बहुत ज़्यादा अटेंटिव सीगे अपनी क्लास के लिए एंड बैक बेंचिस वर मोर एम्प्टी एज दे यूज टू बी बैक बेंचिस जिवें हमेशा खाली रेंदे सी उवें खाली सी अज भी द विलजर्स हैड ऑक्यूपाइड दो सी विलजर जिहड़े सीगे उन्होंने वो सीटा लगियां हुई सी मतलब कि विलजर्स लोग जिहड़े सी पिंड दे लोग सी वो भी आए हुए सीगे दे हैड कम टू शो देयर रिस्पैक्ट कहिंदे वो अपनी रिस्पैक्ट शो करन आए सी एंड ग्रैटीट्यूड किहदी करके मिस्टर हैमल दी करके क्योंकि उन्हें बहुत साल उत्थे पढ़ाया सी दे रिग्रैट नॉट अटेंडिंग द क्लास मोर दैन डिड कहिंदे वो की करना चाहुंदे सीगे भी वो क्लास जिहड़े सीगे भी क्योंकि हुण उन्हें बहुता टाइम वो स्कूल दे विच पढ़ाउणा नहीं सी. द ऑर्डर आलसो वॉट अबाउट आ कहते जो ऑर्डर से बारे से ग्रेट चेंज सी इन द फीलिंग ऑफ द पीपल टूवर्ड देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंगुएज कहते क्योंकि जोड़े ब लोग से नेटिव लैंगुएज के उन्होंने हूँ वो जी भाषा से उन्होंने मातृ भाषा वो हूँ मतलब कि वो चेंज हो रही सी देयर वॉज द जनरल सैडनैस उन्होंने लिए बहुत दुख भरी गल सी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच क्योंकि हुण वो की जिहड़े सी वो मौके गवा चुके सी लर्निंग फ्रेंच सीखण दे वैन इट वॉज़ ईजली एक्सैसीबल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा की सी पहला उन्होंने लिए सौखी सी पढ़नी पर हुण बहुत ज़्यादा मुश्किल सी. द सैकेंड क्वेश्चन वी हैव हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज जिहड़ा फ्रेंड सीगा उहदियां की फीलिंग सीगियां मिस्टर हैमल दे बारे ते स्कूल चेंज होण दे बारे. फ्रेंड्स वॉज शॉकड वैन मिस्टर हैमल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम फ्रेंड जिहड़ा सी वो बहुत ज़्यादा शॉकड हो गया जब मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट्स नूं दस्या अबाउट द ऑर्डर दे बारे जिहड़ा बर्लिन तो आया सी दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लैसन कि जिहड़ा ये उन्हां दा लास्ट फ्रेंच लैसन सी ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर रूलर कहिंदे भुल गया टीचर दे रूलर दे बारे जिहड़ा मतलब कि जिन्ना उन्हूं कुटदा सी क्रैंकी नेचर बहुत ज़्यादा उहदे नाल भी मतलब कि जिहड़ा टीचर सी उहदी नेचर बहुत ज़्यादा हरास सी
He developed the fondness of Mr. Hamel at the troubling idea of being separated from the forever. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜੂਗਾ. ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦ ਪੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਐਂਡ ਐਗਨੀ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪੇਥੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ. ਨਾਓ ਹਿਜ਼ ਸਕੂਲ ਕੈਰੀਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ. ਹਿਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਲੈਸਨ ਵਰ ਲਾਈਕ ਹਿਜ਼, ਉਹਦੇ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ, ਹੂਮ ਹੀ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੀਅਰ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਪੇਨ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. ਹਾਊ ਮੱਚ ਫਰੈਂਚ ਮੈਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ. ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਟਰ ਨੋਟ ਬੀਂਗ ਅਟੈਂਟਿਵ ਟੂ ਹਿਸ ਕਲਾਸਿਸ ਅਰਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂਗਾ. ਸਡਨਲੀ ਹੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਸੈਪਟ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ